बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि एक एक्सप्रेशन दिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2x का क्यूब माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पी अपॉन क्यू है। और ये कहाँ पर आ रही है, एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस रूट बी अपॉन सी के इक्वल आ रही है, ठीक है। जहाँ पर पी और क्यू क्या है, आपके लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है, लोएस्ट टर्म में है। और ए बी सी क्या है, आपके पेयर वाइज जो है रिलेटिवली पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें वाई इक्वल टू क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू दिया है एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस का क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर। और अपॉन में क्या दिया है, देखिए अपॉन में दिया है एक्स की पावर 6 प्लस का 2x का क्यूब माइनस का क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। चले यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम एक्स क्यूब से क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। एक्स माइनस का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। और देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस का 2 आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स का क्यूब माइनस क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को टी पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को हम क्या पुट करने जा रहे हैं, टी पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज देखिए यहाँ से एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ए, ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 3 ए बी, 3 ए बी इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए यहाँ से हम अगर क्या करें, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, टी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, टी इंटू टी स्क्वायर प्लस का क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज देखिए ये जो हमारा वाई है किसके इक्वल हो जाएगा, वाई जो है किसके इक्वल हो जाएगा, टी अपॉन टी इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस थ्री प्लस क्या हो जाएगा, 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से हम क्या करें, टी कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री प्लस क्या आ जाएगा, 2 2 अपॉन टी के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, टी एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इस टी से क्या होगा, ये टी आपका आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन रहा है, क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, टी स्क्वायर प्लस 2 बाई टी प्लस का क्या बन रहा है आपका, 3 बन रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि देखिए टी हमारा किसके इक्वल है, ये जो है हमारा किसके इक्वल है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के इक्वल है, ठीक है। और एक्स क्या है आपका, 1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो देखिए एक्स हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स जो है आपका 1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वो जो 1 अपॉन एक्स होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 अपॉन एक्स जो हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज देखिए, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स जो होगा 0 से लेकर के 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बीच में लाई करेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स जो हो जाएगा आपका माइनस 1 से 0 के बीच में लाई करेगा। अगर इन दोनों रिलेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो जो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज जो टी हो जाएगा, टी सिंपली क्या हो जाएगा, टी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी टी कैसा हो जाएगा आपका, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो टी पॉजिटिव है, देखिए टी पॉजिटिव है तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, टी पॉजिटिव है तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए हम क्या करने जा रहे हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाने जा रहे हैं, किसके ऊपर लगाएंगे, टी स्क्वायर पर लगाएंगे, 1 अपॉन टी पर लगाएंगे, और 1 अपॉन टी पर, ठीक है। तो देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी, इस पर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा रहे हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज देखिए यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन टी है, ठीक है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज देखिए यहाँ से जो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी है, टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन टी है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका,
थ्री के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन टी है, इसका मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन टी किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमें हमें क्या चाहिए, बाई का कैसा वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, बाई का मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम क्या करेंगे, इसके मिनिमम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो अपने आप उसका वैल्यू कैसा आ जाएगा, आपका मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, देखिए दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जो है हम ये निकाल सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन टी प्लस थ्री, जो इसका मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आपका मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगले पेज से बोल सकते हैं कि जो आपका बाई का मैक्सिमम वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये वन अपॉन सिक्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बाई का मैक्सिमम वैल्यू जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका हमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू लिखा है। ठीक है, इसका ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मिनिमम वैल्यू से वन से इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज बाई का जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या आया है, वन अपॉन सिक्स आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात देखिए ध्यान से, कि हमें क्या निकालना था, बाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, वो तो वन अपॉन सिक्स आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस रूट बी अपॉन सी पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो आपका क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में इक्वालिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन टी किसके इक्वल आ रहा है, थ्री के इक्वल आ रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब तीनों के तीनों नंबर्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी टी स्क्वायर वन अपॉन टी और किसके इक्वल होना चाहिए, वन अपॉन टी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ टी स्क्वायर और वन अपॉन टी को, तो दिस इम्प्लाइज देखिए टी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, वन के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से टी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टी किसके इक्वल था, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के इक्वल था, ये वैल्यू वन के इक्वल आ रही है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज देखिए यहाँ से जो एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, एक्स क्या है आपका, ग्रेटर देन वन है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन प्लस का अंडर रूट फाइव अपॉन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे, इसे हमें किसके साथ कंपेयर करना है, एक्स जो है इसे हमें ए प्लस रूट बी अपॉन सी से क्या करना है, कंपेयर करना है। दिस इम्प्लाइज देखिए ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू फाइव है, सी का वैल्यू क्या है, टू है। ठीक है, और पी का वैल्यू क्या है, वन है, और क्यू का वैल्यू क्या है, सिक्स है। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू का, क्योंकि देखिए क्या आ जाएगा, वन प्लस फाइव प्लस का टू प्लस वन प्लस क्या आ जाएगा, सिक्स। इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइव प्लस वन सिक्स, ट्वेल्व, और ट्वेल्व टू फोर्टीन वन क्या आ जाएगा, फिफ्टीन आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, फिफ्टीन जो है, फिफ्टीन इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।